फाइंडिंग लेजिटिमेट इंटरेस्ट टू रिसर्च पार्टिसिपेंट्स जो हमारे रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स होते हैं बसात इस तरह की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो उनके लिए इंटरेस्ट का सोर्स होती हैं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस इंफॉर्मेशन को फर्दर डिक करना चाहते हैं बट सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मे नॉट कम टू लाइट अंदर लॉन्ग आफ्टर दे हैड इनरोल्ड इन अ स्टडी विद अ प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लेट्स एक रिसर्च परपज के लिए हमने एक ग्रुप जो है Uh, वो फॉर्म किया जिसके अंदर लोग कुछ सर्टन किस्म की सिम्टम्स जो हैं वो प्रजेंट uh, कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ अ रिसर्च क्योंकि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हर तरह की जो सिम्टम्स हैं वो हर वक्त मैनिफेस्ट नहीं होती एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी यू नो दैट एक स्पेसिफिक पीरियड में कुछ भी सिम्टम्स कभी भी कर हो सकती हैं लेकिन वो परसिस्टेंट नहीं हो सकती सो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर एक वॉल्ट्री uh, रिसर्च जो है उसके अंदर पार्टिसिपेशन की गई है और एक लंबे टाइम के लिए वो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इकट्ठा टाइम गुजारते हैं और उसके अंदर जो है वो हमारे पास कुछ कॉन्फेडरेट्स हैं कुछ रिसर्चर्स हैं कुछ क्लाइंट्स हैं एंड दे ऑल आर ऑब्जर्विंग ईच अदर और उसके बीच में बाजूत कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स भी सामने आ जाती हैं जो अदरवाइज शायद पॉसिबल नहीं होती क्योंकि समाइम्स दोज काइंड ऑफ बिहेवियर्स और सिम्टम्स में गो अनरिकोगनाइज लेकिन चूंकि ग्रुप सोली इसी पर्पज uh, के लिए जो है वो कोलेबोरेट कर रहा होता है कि वो एक रिसर्च uh, के लिए उन बिहेवियर्स को स्टडी करेगा और उसके अंदर वॉल्टियर भी करे होते हैं जो पेशेंट्स या क्लाइंट्स होते हैं तो वहाँ पर बाजूकत बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की फाइंडिंग जो हैं वो सामने आ जाती हैं गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल इन द स्टडी ऑफ अ लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ आर्थराइडस मेडिकेशन एंडियर इम्पैक्ट और पर्सनल हेल्थ अब आर्थराइटिस की जो मेडिसन हैं और आर्थराइटिस का जो पेशेंट है उसकी क्या बैकग्राउंड या हिस्ट्री होती है कि आर्थराइटिस एक लॉन्ग टाइम टर्म प्रॉब्लम है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो उसकी जब तक मेडिसिन लेते रहते हैं उनकी सिम्टम्स जो हैं वो बेहतर और इम्प्रूव रहती हैं और जब वो उसको छोड़ देते हैं उनकी सिम्टम्स ज़्यादातर हद तक वापस रीअपियर हो जाते हैं और आर्थराइटस की जो सिम्टम्स हैं मेडिकेशनस जो हैं वो डिफरेंट तरीके से पेशेंट्स के ऊपर वर्क करती हैं इट वुड बिकम नेरी टू लोकेट एंड ट्रैक एंड आइडेंटिफाईबल इस्टबलिश डाटा ऑफ मीनिंगुल लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ क्लाइंट्स एज इंडिविजुल्स एंड सोसाइटी एज होल तो दैट इज़ वेरी इम्पॉटेंट कि वो एक लंबे टाइम के लिए स्टडी किया जाए कि औरट्स की जो मेडिकेशन हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स उन लोगों के ऊपर क्या आ रहे हैं जिन्होंने लेट्स ए स्टार्टिड एट टाइम ए यानी हम कहते हैं कि टू ईयर्स पहले उन्होंने शुरू की और टू ईयर्स के एंड के बाद उनके जो ज़ाहिर है मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स फ़ौरन तो नहीं आ जाएंगे इट विल टेक सम टाइम कुछ जो है वो शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कुछ लॉन्ग टर्म होंगे और कुछ रेयर होंगे और उनकी प्रेजेंटेशन भी इसी तरह लेस कॉमन और सवेयर होगी तो ये सारा टाइम पीरियड जो है टू ईयर्स का वो ये डिटर्मिन करेगा कि उनके ऊपर मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं और उनको स्टडी करना आसान हो जाएगा और उनको स्टडी करना फिजिबल हो जाएगा but in majority of the cases the careless handling and the breach of the confidentiality of the research data creates many problems for the clients and therapist as well uh, jab jahan par properly jo hai wo confidentiality ko ensure nahi kiya jata और uh, let's say हम uh, एक ऑथराइटिस ही की medicine की बात करें उसका कोई एक rare side effect किसी की uh, जो है वो uh, health पे differently भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू के 99 परसेंट लोग वो रिपोर्ट ना करें लेकिन एक पर्सन जो एक पर्सन जो पेशेंट है वो उस सिम्टम को रिपोर्ट करें तो लेबलिंग ऑल द पर्सन विद दैट सिम्टम वुड नॉट बी अ गुड आइडिया या ये डिस्क्लोज कर देना कि इस इंडिविजुअल को उसके नाम के साथ उसको ये साइड इफ़ेक्ट आ रहा है इस इस मेडिसन का इसी तरह जितनी भी ट्रिकी ट्रीटमेंट मेडिसन होती हैं जैसे ए uh, सी uh, की मेडिकेशन हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं इसमें भी एक डाटा जनरेट होता है जो जहरी बात है ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पर ही होता है और उसकी लाइट में मेडिकेशंस को मॉडिफाई किया जाता है तो ये रिसर्च पार्टिसिपेंट्स में जब तक ह्यूमन सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट नहीं करते उस वक्त तक इन मेडिकेशंस की एफिकेसी जो है उसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते लेकिन इसके साथ साथ कॉन्फिडेंशलिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम उसको ब्रीच कर देंगे तो फिर किसी भी इंडिविजुअल की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो मेनटेन नहीं रह सकेगी ऑन सम इक्वेंस इवन द नेचुरलिस्टिक स्टडी डाटा कैन पुट पीपल एट रिस्क दिस इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू मैंशन के बाद अव नेचुरल सेटिंग्स होती हैं जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन होती है उसमें भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं कि वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को रिस्क पर डाल दें लेट्स ए कि अगर हम आ, कहीं पर अर्थ क्विक के बाद एक नैचुरल ऑब्जर्वेशन के लिए गए हैं कि लोग जो हैं वो, आ, ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर अर्थ क्विक के बाद बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ है वहाँ पर लोग कैसे कोप करें अपने इस ग्रीफ के साथ जहाँ पर उनके घर टूट गए हैं उनके लॉस है लाइक दैट तो आफ्टर शॉक्स में दोबारा इसी तरह के आर्थिक आने से जो पार्टिसिपेंट्स वहाँ रिसर्च करने के लिए गए हैं वो भी उस डैमेज का हिस्सा बन सकते हैं और दे कुछ नेचुरलिस्टिकवेशन मे पुट पार्टिसिपेंट्स ऑफ also endanger the safety of the researcher for example in studies of the criminal द रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम टू द पुलिस कुड एक्सपोज द रिसर्चर टू द रिस्क ऑफ रिटेलिएशन अगर कोई सेंसीटिव इंफॉर्मेशन फोरेंसिक साइकोलॉजी में रिसर्चर्स के हाथ लगती है और वो उसको बाई uh, लॉ uh, uh, जो है वो मजबूर होते हैं कि उन्होंने ये पुलिस को देनी है और ये एक उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वहाँ पर भी वो इन डेंजर हो सकते हैं बिकॉज एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथों में दे रहे हैं और उसकी वजह से उनको रिटेलीशन फेस करनी पड़ सकती है सो बाई गिविंग यू दिस डिफरेंट काइंडगजाम्पल्स आई जस्ट वॉन्टिड टू मेक इट अ पॉइंट कि जब हम एक रिसर्च या टीचिंग पर्पज़ के लिए कोई भी मटीरियल यूज करते हैं जिसमें ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं तो दैट मैटर डज नॉट रिमेन सो सिंपल एंड वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल द कांड ऑफ द गाइडलाइंस एंड द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी रिस्क विच आर इन्वॉल्व इन बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट फिना